बारे बनाते हैं डर की वजह से। इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए। अरे प्रभास भैया, आहा, आपने भाई ये क्या दिखा दिया भाई, क्या बना दिया, कितना अच्छा टैलेंट है भाई आपके अंदर, उसको आप दबा के रखते हो। आहा भाई, सच बता दो, इस मूवी को देखने के बाद अगर आप चुम्मा देने से मना कर दो तो भाई मेरा नाम बदल देना, सच बता रहा हूँ दोस्तों। तो भाई बात यह कुछ ऐसी है कि जैसे ये फिल्म रिलीज हुई और मैंने पहले दिन का पहला सुबह देख कर आया, और भाई ये फिल्म की एंट्री, इस फिल्म के एक्शन सीन, आहा, एक एक दार भाई अपना जान झोंक दे रहा है इस फिल्म में भाई। इसे देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला, सच बता रहा हूँ भाई। अगर हम बात करें कि भाई इस फिल्म की कहानी क्या है, तो भाई वो तो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा भाई, आपको ये फिल्म देखने ही जाना पड़ेगा भाई। अगर आप भाई एक्शन के दीवाने हो भाई, तो ये फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म के एक एक कास्टिंग भाई, मैं किसकी तारीफ ना करूं यार। इस फिल्म में भाई जितने भी एक्टर हैं वो सारे एक शानदार किरदार निभाए हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, आप उन सभी एक्टर के फैन हो जाओगे, आप सभी लोग उसे अपना दिल गुर्दा जान सब कुछ निकाल कर दे दोगे यार। क्या फिल्म बनाई है प्रशांत नील ने यार। अगर हम बात करें कि इस फिल्म की कहानी क्या है, तो भाई उसे मैं अभी आपको सामने रिवील नहीं करने वाला हूँ। बस इस फिल्म की शुरुआत होती तो एक शानदार म्यूजिक के साथ होती है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि यार मैं क्यों आ गया इस थिएटर में भाई। लेकिन जैसे ही पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म में एंट्री दिखाई देती है ना, पूरा थिएटर शोर शराबा से फुल हो जाता है। कोई चिल्लाता है, कोई सीटी मारता है, कोई सीट से उछल कूद करता है, जिसे देखकर आपके भाई फेफड़े बाहर आ जाएंगे भाई। कुल मिलाकर मैं इस फिल्म के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रशांत नील ने अपना सब कुछ झोंक दिया है इस फिल्म में। इससे यह साबित होता है कि वो जनता को आखिर दिखाना क्या चाहते हैं और उनके अंदर कितना ज्यादा टैलेंट छुपा हुआ है भाई। भाई मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अब भी जाकर भाई अपने नजदीकी सिनेमा घरों में अपना टिकट कंफर्म करा लीजिए, और अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ ये फिल्म जाकर एंजॉय कीजिए। और ये फिल्म आपको जैसा भी लगे भाई, कमेंट बॉक्स में मेरे जरूर बताना। और दोस्तों, आपको ये फिल्म बिल्कुल भी निराश करने वाली नहीं है, ये फिल्म आपका पूरा पैसा वसूल कर देगी। इतना तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस फिल्म के आगे डंकी जैसी फिल्म टिक ही नहीं सकती भाई। सच बता रहा हूँ, प्रशांत नील ने जो आइटम बना के दिया है वो सभी फिल्मों की बाप है। तो भाई लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर इस फिल्म अभी तक नहीं देखो तो भाई जाकर इस फिल्म को देखो, इस फिल्म का एंजॉय लो। और आपको ये फिल्म कैसी लगी, इसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर आकर जरूर शेयर करना भाई। कुल मिलाकर ये फिल्म एकदम चुम्मा स्वरी फिल्म है, जी हाँ। तो भाई फटाफट से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस फिल्म से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो चैनल पर आने वाले हैं। तो भाई मिलते हैं आपके लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।